राजा ने मलोरे राणी राहे तनो धर्म जाता कोई दोड़ो राजा ने मलोरे राणी राहे तनो धर्म जाता कोई दोड़ो जागो ने जोधा उठ खड़े रहो नींद नी गोड़ी रे छोड़ो राजा ने मलोरे छुटता है खड़ग क्षत्रियों से छुटता है खड़ग क्षत्रियों से धर्म जाता हिंदुआ धर्म जाता हिंदुआ सतना छोड़ो सतवादियो जोड़ बढ़ो तुर कान राजा ने मलोरे बात ने सुनी बुंदले छत्रसाले बात ने सुनी बुंदले छत साले आगे आए खड़ा ले तलवार आगे आए खड़ा ले तलवार सेवा नीले सारी खींच के साया किया सेनापति सिरदार सेवा ने ले सारी खींच के साया किया सेनापति सिरदार राजा ने मलोरे प्रगटे निसार धूमर के तिखे मास प्रगटे निसार धूमर के तिखे मास पर सुध ना करे अज कोइत पर सुध ना करे अज कोइत बेगिना पधारो बुध जिया समय पुकार कहे श्री महामत बेगिना पधारो बुध जिया समय पुकार कहे श्री महामत राजा ने मलोरे राणे राहे तनो धर्म जाता कोई दोड़ो जागो ने जोधा उठ खड़े रहो नींद नी गोड़ी रे छोड़ो नींद नी गोड़ी रे छोड़ो नींद नी गोड़ी रे छोड़ो इस नगरिया लाल की सतगुरु संगे में ए घर पाया दिया पार ब्रह्म दिखाई महामत कहे मैया बिद बिगड़िया तुम जिन बिगड़ो भाई तुम जिन बिगड़ो भाई।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की जय। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा प्रणाम प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साज जी, माताएं बहने भाइयों, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा नित्य का आहार हो गया है। जैसे हम लोग नित्य प्रसाद पाकर के ही अन्न जल ग्रहण करते हैं ना, सुबह उठ करके हमारा नित्य का नियम है कि प्रसाद पाओ, राज्य का चंदन लगाओ। जैसे सुहागिन स्त्री होती है तो सिंदूर डालती है ना, लाल बिंदी लगाती है, तो देखने वाले सोचते हैं यह शादीशुदा है। अगर ऐसा कुछ न डाले तो लोगों को लगता है ये कन्या है कि विवाहित है, लोग सोच में पड़ जाएंगे। पर एक लाल बिंदी के चलते, बिंदी तो छोटी सी भी हो सकती है, बिल्कुल पता चल जाता है कि ये विवाहित महिला है। ऐसे ही चंदन की छोटी सी बिंदी हम लगाते हैं ना, तो लोग कह सोचते हैं ये भक्त है, ये भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, परमात्मा को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं एक बिंदी देख करके। गले में कंठी देखेंगे तो भी लोगों को लगेगा ये भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, इसलिए कंठी डाल करके चलते हैं। वो तो लोगों को देखने के लिए भी हुआ एक बाह्य, हमारा स्वरूप हुआ कि हम भक्ति करते हैं, और भक्ति करने वालों का वस्त्र भी सात्विक होता है तो भी पता चल जाता है। पर आंतरिक शुद्धि के लिए, आंतरिक तृप्ति के लिए, आंतरिक संतुष्टि के लिए हम लोग महाप्रसाद, राज्य का प्रसाद, पहले तो अपने हाथों से भोग व्यंजन तैयार करके राज्य को भोग धराना, राज्य को चंदन चढ़ाना, उनकी आरती उतारना, फिर बाद में वही चंदन प्रसाद के रूप में अपने माथे पे लगा लेना, फिर राज्य को धराया हुआ प्रसाद और चरणामृत ग्रहण करना, ये नित्य का नियम हो जाता है। जब हम प्रणामी बनते हैं, दीक्षित होते हैं, और हमारे में जागनी हो जाती है, आत्मिक जागनी, तब बिना प्रसाद के हम रह नहीं सकते। प्रसाद कहाँ है, प्रसाद कहाँ है, दूसरे के घर में जाएंगे ना तो भी आत्मा तरसती है, प्रसाद कहाँ है। पर उसके लिए एक उपाय हमारे गुरुजनों ने सोचा, महाप्रसाद, जो राज्य को धराया हुआ महाप्रसाद है, वो साथ में रखने से यात्रा में है, कभी किसी के घर गए जल्दी से प्रसाद नहीं मिला, तो महाप्रसाद लेने से भी वही तृप्ति मिलती है, वही संतुष्टि मिलती है, वही आनंद मिलता है जो प्रसाद पाने का आनंद है। तो नित्य का नियम होने से उसके बिना एक कदम आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन के साथ वो जुड़ गया, जीवन का एक अंग बन गया, जीवन का एक भाग बन गया, उसके बिना हमारी गति नहीं है, उसके बिना हम आगे श्वास लेना, हंसना, बिना प्रसाद पाए हंसना, बातें करना कुछ पसंद नहीं करते हैं। महाप्रसाद ही नहीं लिया है, राज्य का प्रसाद ही नहीं पाया है, क्यों हंसना, किसके लिए हंसना है ना, हम हंसने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, न मनोरंजन करने दुनिया में आए हैं, हम तो दुनिया देख करके राज्य को याद करने आए हैं। हमारा लक्ष्य कुछ और है, हम संसार देखेंगे, संसार का व्यवहार भी करेंगे, जो राज्य ने व्यवहार सौंपा है,
जिसको जो व्यवहार सौंपा, जिसको जो दायित्व सौंपा, उसको उसे पालन करना है। पर उनको याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनका भजन करते हुए उन्हें याद करना है। तो ऐसे ही ये चर्चा भी अगर नित्य का आहार बना दिया जाता है ना, हमारे ऑनलाइन श्रोता नित्य का आहार बना चुके हैं, तो एक दिन चर्चा नहीं होगी तो फिर उनके फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, आज क्यों चर्चा नहीं हुई। हम लोग तो रोज सुनते हैं, हमें रोज सुनने का अभ्यास हो गया और रोज सुनने से हमें जीवन में एक अच्छी प्राप्ति हुई, अध्यात्म की प्राप्ति हुई, राज्य के चरणों में ही है, संत गुरुजनों के चरणों में ही, ऐसा हमें आभास होता है। तो इसको जारी रखना, तो हम भी सोचते हैं कि इसको जारी रखने के लिए हम भी कोशिश करें। कभी यात्रा में होते हैं तो नहीं हो पाता है, कहीं लंबी यात्रा है तो ऐसा नहीं भी हो पाता है, और कभी कोई बड़ा मेला आ जाए तो मेला का ही दिखा देते हैं। जन्माष्टमी का हमने दिखाया, नंद उत्सव का दिखाया, तो ये सब क्या है कि सुंदर साथ को भक्ति से जोड़ने का, भजन से जोड़ने का, श्रद्धा से जोड़ने का, भावना से जोड़ने का और मुक्ति से जोड़ने का। सबसे बड़ी बात मुक्ति से जोड़ने का एक प्रयास है और इस प्रयास में आप सब लोग भी सहभागी बने हुए हैं। आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ करके हम लोग चर्चा का रस स्वादन कर रहे हैं और जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी के कई खंड, कई किताबों की चर्चा हो चुकी है, तो किरंतन हमारा चल रहा है। बीच में एक महीना बीतक में रहे हम लोग, बीतक का आस्वादन करते रहे, वो भी प्राणनाथ जी की जीवनी है, सदगुरु की जीवनी है, उसमें भी प्राणनाथ जी से जुड़ने का मौका मिलता है, प्राणनाथ जी के साथ यात्रा कर रहे हैं। पूरी बीतक सुनने से ऐसा लगता है कि हमारी भी पूरी जागनी यात्रा हो गई। तो इसके लिए बीतक हम लोग सुनाते हैं और आप लोग सुनते हैं। तो बीतक तो एक महीने प्रणामी समाज में, 11 महीने वाणी सुनो, वाणी पढ़ो, एक महीना बीतक सुनो, बीतक पढ़ो। बीतक एक महीने सुने से एक साल का खुराक मिल जाता है। और वाणी क्या है, रोज ग्रहण करने का खुराक है, रोज रोज। जैसे डॉक्टर लोग दवाई लिखते हैं ना, तो कोई कोई दवाई बोलते हैं हफ्ते में एक बार ही लेना, जैसे विटामिन डी जैसे चीज है, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं हफ्ते में एक ही बार लेना एक गोली, और ब्लड प्रेशर की दवा हो तो रोज लेना, सुबह नाश्ता करते ही ब्लड प्रेशर की दवा आपको ले लेना है ताकि दिन भर ठीक ठाक चले। रात को तो सो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सुबह नाश्ता होने के बाद ब्लड प्रेशर की गोली ली जाती है ना, नित्य का वो नियम हो गया। और फिर ब्लड प्रेशर की गोली शुरू होती है तो डॉक्टर कहते हैं उसको छोड़ना नहीं, आजीवन। फिर आप छोड़ दोगे तो अंदर ही अंदर कुछ डैमेज होता रहेगा। फिर कभी कभी लोग अपनी मर्जी में आकर के अब मुझे क्या है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ऐसा सोचते हैं ना कभी लोग। तो ये है कि अंदर अंदर कुछ तो होता रहेगा, इसलिए दवा है जब चालू कर दिया गया, कम से कम 50-60-70 साल के बाद, कई लोगों को तो और पहले से शुरू हो जाता है, फिर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। और ये कोरोना महामारी आने के बाद और बहुत लोगों को जरूरी हो गया, कुछ ना कुछ कोरोना ने प्रसाद ही छोड़ दिया ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग कुछ कुछ बीमारी उसने दिया है, महामारी ने बीमारी दी। तो देखिए, कुछ दवा रोज लेने की होती है, कुछ दवा हफ्ते में एक बार लेने की होती है, ऐसे भी है ना। तो ऐसे ही बीतक साल में एक बार सुनने से पर्याप्त है, एक साल के लिए आपकी भूख शांत हो जाएगी, तृप्ति मिलेगी, फिर एक साल पूरा होने के बाद फिर सुनने की इच्छा होगी। और अब तो इतनी सुविधा हो गई कि सुनने के लिए मंदिर में दौड़ना नहीं पड़ता है, सब बीतककार आपके घर घर में, आपके हाथ हाथ में, आपके जेब जेब में आ जाते हैं,
खोल कर देखने वाली बात है, समय निकाल करके थोड़ा सा समय गपशप में कम करें, इधर उधर फालतू काम में कम लगा करके बीतक सुनने में लगाएं, तो साल भर के लिए एक आनंद मिलेगा और हम बीतक सुने, क्योंकि सुनने से ध्यान लग जाता है, एकाग्रता आती है और सुनने से राज्य से जुड़ाव हो जाता है कि हम राज्य के करीब हैं, उनसे दूर नहीं है, उनके ही चरणों में ऐसा अनुभव हो जाता है, इसलिए सुनना है। तो वाणी तो हमें 11 महीना सुनना है, फिर वाणी का खुराक रोज का खुराक है, नित्य आहार है, इसलिए नित्य सुनने वाले ऑनलाइन श्रोता को ये आहार चाहिए चाहिए, आहार उनको जरूरी हो गया, दवा लेने की भांति दुआ लेना, राज्य की दुआ लेना, राज्य की मेहर को लेना, आशीर्वाद को लेना। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं जितना हो सके समय निकाल करके, क्योंकि इससे हम लोगों को भी फायदा होता है कि जो गुरु से तालीम हम लोगों ने ली, वाणी सीखी, उसको विस्तार से व्याख्या करके समय के हिसाब से युगानुकूल सुनाने का मौका मिल जाता है और श्री जी से जुड़ने का हम लोगों को भी मौका मिल जाता है, हम लोगों का भी ध्यान राज्य के चरणों में हो जाता है। तो वक्ता को भी श्रोता को भी लाभकारी है, चर्चा कथा होती है, प्रवचन इत्यादि होते हैं। तो आइए आज के प्रसंग को शुरू करते हैं, क्योंकि एक महीना बीतक में रहे तो अभी लौट करके फिर किरंतन में हम लोग आते हैं। राग श्री में श्री जी ने इस प्रकरण को सजाया है, तुम समझ के संगत की जोरे बाबा। देखिए हम बाबा शब्द के द्वारा संबोधन किया, बाबा तो साधुओं को कहा जाता है ना, कहीं साधु शब्द के द्वारा संबोधन किया, पहले आप पहचान रे साधु, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वा को भाई भी कहा, सखीरी आत्म रोग बुरो लगो सखी करके भी संबोधन किया है, श्री जी की मौज है वो, कहाँ कौन सा संबोधन रखना, किसको संबोधन करना, वो स्वयं साक्षात महामति ही जानते हैं। तो यहाँ बाबा शब्द के द्वारा उन्होंने संबोधन किया, पर ऐसा हमें नहीं सोचना है कि बाबाओं को ही संबोधन किया है, एक संबोधन मात्र है, उस संबोधन के द्वारा सारे जगत के लोगों को, सारे जिज्ञासुओं को समझाने का प्रयास होता है। तो कहते हैं समझ के संगत की, जो आप संगत करें तो समझ करके, बिना समझे आप आएंगे ना तो समय का भी नुकसान होगा, कुछ बात समझ भी नहीं आएगी, इसलिए समझ करके कि ये कहाँ की भक्ति है, किसकी भक्ति है, कौन सी भक्ति है, और ये ज्ञान कहाँ का है, कौन किसको समझा रहा है, इसका पूर्व पर संबंध क्या है, क्योंकि हमारे जीवन का पूर्व पर संबंध है ना, हम ऐसे नहीं है कि यहीं पैदा हुए और यहीं मरे, इतना हमका हमारा इतिहास नहीं है, हमारा पूर्व इतिहास भी है पर इतिहास भी है। पूर्व इतिहास है हम परमधाम में थे, राज्य के चरणों में थे, मूल मिलाव में बैठते थे, फिर यहाँ आए। पर संबंध मतलब जब ये शरीर और संसार छूटेगा तो फिर आत्मा जा करके राज्य के चरणों में जा करके पहुंचेगी, आगे भी संबंध है, पीछे भी संबंध है, बीच में भी संबंध है, बीच में माया का खेल देख रहे हैं, माया के खेल में खेल भी रहे हैं, तरह तरह से माया के खेल में खेले जा रहे हैं, परंतु उनको याद करते हुए, उनको भूलना नहीं है, उनका स्मरण करते हुए, और उन्होंने जो जो खेल देखने के लिए छूट दे रखी है उन खेलों को ही हम लोग देखते हैं। हम लोग ताश जुआ नहीं खेलते ना, वो भी खेल है, ताश जुआ लोग खेलते हुए मिलते हैं ना, कि थोड़े से फुर्सत में लोग होते हैं तो फिर वो पत्ते जो है घुमाते रहते हैं ना, फट 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 बांटते ऐसे तेजी से है, नए लोगों को लगता है कितना अभ्यास हो गया इन लोगों को, खेल है वो ऐसे, उसको भी प्ले कहा जाता है ना, एक खेल है, पर हम लोग नहीं खेलते हैं क्योंकि वह केवल एक मनोरंजन है, उससे राज्य छूट जाते हैं,
उस मनोरंजन में ज्यादा आकर्षित होने से भक्ति छूट जाती है, फिर वही खेलो खेलो ऐसे हो जाता है। इसलिए ऐसे मनोरंजन हमको नहीं चाहिए जहां भक्ति छूट जाए। तो देखिए और भी कई चीजें हैं संसार के अंतर्गत, हम लोग उसको राज्य ने जिसमें प्रण्णा जी महाराज ने जो विधान किया वो हम लोग स्वीकार करते हैं, प्रण्णा जी ने जो निषेध किया उसको हम निषेध ही रखते हैं। खान पीन में भी प्रण्णा जी ने जो विधान किया है वो हम खाते हैं, प्रण्णा जी ने जो निषेध किया है वो हम नहीं खाते, देखते भी नहीं है, छूते भी नहीं है। बिना तमाकू छोड़ दो कहा तो हम छूते ही नहीं है, देखते भी नहीं है कि क्या है उसमें, हमको कुछ उससे कुछ लेन न देन, क्या करना हो। तो आप देखिए छूट भी बहुत कुछ के लिए, खाने के लिए क्या क्या चीज है ना, आप देखिए इस धरती से क्या क्या उपजता है, और जो खाने योग्य है राज्य को भोग धराने योग्य है वो हम ग्रहण करते हैं क्योंकि हमें ग्राही है वो सब चीजें। तो खाना भी समझ करके, चलना भी समझ करके, हम उबड़ खाबड़ रास्ते में नहीं चलते हैं ना, गिरने की संभावना होती है, चलते ही नहीं है। जहाँ रास्ता उबड़ खाबड़ है तो सही सलामत रास्ता हम ढूंढ लेते हैं, हम पहाड़ों में भी नहीं चढ़ते हैं, कई लोग हिमालय चढ़ते हैं ना, माउंट एवरेस्ट में चढ़ जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो कठिन कठोर मार्ग है, वो हमारे लिए सरल नहीं है, ऐसा हम लोगों को लगता है। हम चलते हैं तो धीरे धीरे मंदिर में आकर के परिक्रमा करते हैं, मंदिर के चारों तरफ जो घूमते हैं ना उसको परिक्रमा कहा जाता है, वहाँ हम चलते हैं क्योंकि उसके लिए हमें विधान है कि आप परिक्रमा कर सकते हैं मंदिर में। हम चलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, कोई भी हिंदू धर्म का तीर्थ हो हम चलते हैं, वहाँ जा करके भी राज्य को याद करते हैं, राज्य की लीला है, सारे देवी देवता भी तो राज्य की ईश्वरीय सृष्टि के अंतर्गत ही तो आते हैं। भगवान अक्षर, अक्षर से महाविष्णु आदि नारायण, फिर देवी देवता, राज्य की सृष्टि है वो भी, ब्रह्म सृष्टि भी राज्य की सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि भी राज्य की सृष्टि, जीव सृष्टि भी राज्य की सृष्टि, जगत के सारे जीव भी राज्य की सृष्टि है। इसलिए हम चलते हैं तो जहां जिस तीर्थ में जाए श्रीराज श्रीराज करते हुए हम लोग घूमते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। तो ये सब चलन है, आप देखिए खाने का भी, चलने का भी, बोलने का भी। बोलने का भी क्या है कि राज्य ने जो विधान किया हम बोलते हैं, हम गाली गलौज नहीं बोलते हैं ना, लोग गाली गलौज भी बोल जाते हैं ना, कहीं कहीं उनको गुस्सा आता है, गुस्सा आने से अनावश्यक बातें, फजूल की बातें लोग सुनाते हैं, पर हम लोग गाली गलौज नहीं सुनाते हैं, किसी को मुख से निकालते ही नहीं, उच्चारण ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सबके साथ मिलकर रहने का, सबके साथ सम व्यवहार करने का, सबके साथ सुंदर साथ भाव प्रकट करने का हमें विधान है। लड़ने का, झगड़ने का, द्वंद फंद मचाने का, समस्या खड़ी करने का यह हमारे विधान नहीं है। तो देखिए बोलना भी समझ करके, खाना भी समझ करके, चलना भी समझ करके, लेन देन करना भी समझ करके, सब कुछ समझ करके। श्री जी कहते हैं संगत करते हो तो समझ करके संगत करो, बिना समझे संगत करोगे। जैसे गुरु महाराज हम लोगों को बताते थे कि देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाड़े रोग। देखा देखी योग साधना में लग गया, टीवी में देखा और शुरू कर दिया उसने। कई कई ऐसे होते हैं ना, योग साधना की भी ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस एडवांस ट्रेनिंग होती है, कई चीज की ट्रेनिंग होती है ना। बेसिक मतलब साधारण रूप से योगा क्या करना है, 7 दिन 10 दिन उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके शिक्षक प्रशिक्षक होते हैं, वो सिखाते हैं कैसे शरीर ठीक ठाक रखना, कैसे श्वास लेना, कैसे श्वास छोड़ना आदि इत्यादि। तो ट्रेनिंग लेकर के करने से सही सही योग हो जाता है, पर देखा देखी कर रहा है, दूसरा कर रहा है, हम भी करेंगे ऐसा करके कर रहा है तो क्या होगा,
सीजे काया, शरीर में दुर्बलता आएगी क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है, मन से मर्जी से कर रहा है। सीजे काया बाढ़े रोग, रोग व्याधि भी बढ़ जाते हैं। और इसमें केवल योग का अर्थ नहीं लेना चाहिए, कई कई लोग व्रत भी करते हैं ना, बहुत लंबे लंबे समय तक व्रत करते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि जन्माष्टमी की तिथि आई ना, कई लोगों ने पानी नहीं पिया, कृष्ण जन्म 12 बजे के होने के बाद उसके बाद जल पीते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। तो ये तो दिन भर का चला, कई कई बार क्या होता है कि 7 दिन भी लोग कर लेते हैं, महीना दिन भी लोग करते हैं, चंद्रायण व्रत करते हैं ना, चंद्रमा के हिसाब से वो लंबा होता है। तो एक ने चंद्रायण कर लिया, दूसरे ने भी देख करके कर लिया। कई कई लोग फिर दुग्ध कल्प करते हैं, 1 महीने तक दूध पीते हैं और कुछ नहीं करते, देख करके दूसरे ने भी चालू कर दिया, किसी वैद्य से पूछा नहीं, जानकार से पूछा नहीं, मर्जी से शुरू कर दिया। तो रोग बढ़ेंगे, शरीर भी दुर्बल होगा, रोग भी बढ़ेंगे। देखा देखी सादे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। इसलिए समझ करके कोई भी काम करे, कोई भी कदम उठाए तो समझ करके। श्री जी की शिक्षा है, तुम समझ के संगत की जोरे, संगत हम कर रहे हैं, किसी की भी हम संगत कर रहे हैं तो समझ करके हम संगत करें। मुझ जैसा दीवाना न कोई, अपने लिए श्री जी महाराज कहते हैं मेरे जैसा दीवाना आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं दीवाना बना देता हूँ। श्री जी ने बीतक में आपने सुना ना, कितने सुंदर साथ को दीवाना बना दिया, घर छोड़ गए, व्यवहार छोड़ गए, व्यापार छोड़ गए और श्री जी के पीछे पीछे धर्म प्रचार यात्रा में निकल गए। तो ये दीवाना बनाने वाला काम ही है। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते पहले तो मैं खुद दीवाना हूं, दीवान से दीवाना हो गए। पहले तो दीवान थे ना प्राणनाथ जी, जामनगर के दीवान थे, दीवान के पुत्र थे, उनके भाई भी दीवान, दीवान वंश के थे ना, वंश परंपरा से दीवान। परंतु उन्होंने देखा दीवान में तो बंधन है, राजा जैसे कहेगा अहमदाबाद जाओ वहां जाना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद फिर राजा कहेगा कि यहाँ बंदी बनो, जब तक हम टैक्स वसूल नहीं करेंगे तो कर वसूल नहीं कर पाएंगे, तब तक तुमको बंदी बनना होगा। तो क्या हुआ, दीवान दीवान की जगह तो बंदी बनना पड़ेगा। तो प्राणनाथ जी ने कहा हमें बंधन नहीं चाहिए, हम तो वंदन करेंगे, वासे उच्चारण होता है तो वंदन होता है ना, भक्ति को वंदन कहते हैं ना, वंदन भक्ति, और वासे बंधन होता है ना, बंध जाना। तो प्राणनाथ जी ने देखा दीवानगिरी में तो बंधन है, बंधन नहीं हो पाती है, भक्ति नहीं हो पाती है, इसलिए हमें अब दीवाना बनना है। ऐसा सोच करके श्री प्राणनाथ जी कहते मुझ जैसा, मेरा जैसा दीवाना कौन होगा। फिर मंत्री पद भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, एक बार तो फूलबाई को भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और प्रचार यात्रा में निकले। पर लीला ऐसी थी कि फूलबाई को फिर से जुड़ना था तो तेजबाई के रूप में आ गई, पर श्री जी महाराज ने कुछ संग्रह नहीं किया, कोई कुछ अपने पास रखा नहीं, सब सुंदर साथ की सेवा में, सुंदर साथ को प्रचार यात्रा में लेकर के चलना, अपने जैसा बनाना। जब उदयपुर आए तो आपने सुना कि श्री जी महाराज के पास तो सात्विक सब चीजें हैं, पर सुंदर साथ के पास तो राजसी चीजें भी है, राजसी साथ श्रृंगार भी है, हीरा मोती भी लेकर के चले हैं, सोना चांदी भी लेकर के चले हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सब उतरवाया और बंटवा दिया, देखते देखते सुंदर सुंदर हार, सुंदर सुंदर कीमती चीजें बंटवा दिया गया, जरूरतमंदों को बांट दिया गया। तो देखिए फिर अपने जैसे ही फकीरी वेश धारण करवाया उन सब सुंदर साथ को, क्योंकि श्री जी ने देखा कि अब हम बिहड़ मार्गों में, विकट मार्गों में चल रहे हैं, तो लुटेरे लोग आ सकते हैं, हम पर शक कर सकते हैं। फकीरी वेश में चलेंगे तो फकीरों को तो लुटेरे भी कुछ नहीं करते थे उस समय, आजकल के लुटेरे तो और ज्यादा कलिजुगी लुटेरे हो गए, पर उस समय के लुटेरे भी फकीरों को देख करके, साधुओं को देख करके सोचते थे इनके पास क्या होगा, खुद तो फकीर है।
तो उनके लिए छूट कर देते थे कुछ, इनको नहीं लूटना, और वही अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके चलें, कानों में कुंडल लटकाते हुए चलें, है ना, और भी सोने की बालाएं लगा करके चलें और सोने की चेन लगा करके चलें। देखिए जन्माष्टमी में या भीड़ भड़ाके में सोने की चेन लगा करके आना ही नहीं चाहिए। कई लोग आते हैं तो कट जाते हैं, क्योंकि भीड़ में पता नहीं कलयुग कहाँ से घुस जाता है, पता नहीं लगता है ना, कलयुगी विचार वाले वहाँ पर घुस जाते हैं, उसी विचार में आते हैं कि कहाँ कुछ मिले। इसके लिए एक तो अपना गया, अपना लुटाया चला गया, दूसरा है कि फिर सब सुंदर साथ पे शंका होने लगती है, इसने लुटा होगा, इसने लुटा होगा, इससे अच्छा है घर ही में रख देना उसको, घर में उतार करके रखें। राज जी ने तो नहीं कहा कि ये पहन के आओ, आज जन्माष्टमी है तो तुम असली गहना पहन करके आओ, ऐसा राज जी तो बोलते ही नहीं है, नहीं पहन के आओ, और पहन के आना है तो साधारण चीज पहन करके आओ, सात्विक बन करके आओ, मंदिर आ रहे हैं तो इसमें सजने धजने की क्या बात है। इसलिए दीवानापन जब आ जाता है तो ये सब राजसी चीजों से मोह नहीं होता है, मोह अपने आप छूट जाता है। दीवानापन आता है तो कंठी माला ये सब चीज धारण करने के लिए प्रणाम का रुमाल सिर पे डालने का मन करता है। दीवानापन आने के बाद मंदिर जा रहे हैं तो घर से ही प्रणाम का रुमाल डाल करके जाएं, क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं ना, जैसे गुरुद्वारे जाते हैं ना तो एक रुमाल डलवाते हैं ना कि आप रुमाल डाल करके ही गुरुद्वारा जाइए, तो हम लोग प्रणाम का रुमाल डालते हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी ने सबसे पहले छत्रसाल के सिर पे रुमाल डाला, छत्रसाल विजयी हो गए, सर्व सक्षम हो गए, हम भी गुरु का दिया हुआ प्रसाद स्वरूप रुमाल सिर पे डालेंगे तो हम अपने कर्म क्षेत्र में विजयी रहेंगे। और सबसे बड़ी विजयी रहना है अपने मन पर विजय प्राप्ति करना है, मन को जीतना, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत कहते हैं ना, मन को ही जीत जाना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा मन ही है, जो हमको माया की ओर, संसार की ओर आकर्षित करता है, दुनियादारी की ओर हमको खींचता है हमारा मन। उस मन को हमने जीत लिया तो मन ही फिर नमन हो जाएगा, मन ही झुक जाएगा, मन ही हमको सहयोगी बन करके परमधाम के मार्ग में हमें अग्रसर करेगा। इसलिए श्री जी कहते हैं मुझ जैसा दीवाना ना कोई, मैं तो दीवाना हूँ, और आपको भी मेरे पीछे चलना है तो दीवाना बनना होगा। जहाँ सौ लोक लज्जा पावे, कहते हैं कि लोग जिस काम के करने में लज्जा खाते हैं ना, लज्जा आती है, लाज लगती है ना कई कई लोगों को, मंदिर आने में ही लाज लगती है ना कई लोगों को, अरे तुम मंदिर गए थे, जैसे स्टूडेंट होते हैं ना कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं ना, तो कोई स्टूडेंट मंदिर आया तो दूसरे स्टूडेंट मजाक उड़ाते हैं, अरे तो मंदिर जा रहा था, तो लोक लज्जा। कभी कभी बड़े घरानों के लोग भी मंदिर आने में लज्जा खाते हैं, लोग क्या कहेंगे, वहाँ तो सर्वसाधारण लोग होते हैं, उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, एक ही चटाई में मंदिर के आगे बैठना पड़ेगा, अलग से व्यवस्था नहीं होगी, ऐसे करके जिसके लिए लोग लज्जा खाते हैं और शर्मा जाते हैं। सो तो मोही बड़ाई, श्री जी कहते मैं उसी में बड़प्पन समझता हूँ, लोग जिसके लिए घबराते हैं मैं उसी में अपने आप को सबल और सक्षम पाता हूँ, मैं देखता हूँ बड़प्पन उसी में है कि हम माला डाल करके चलें, सुमिरन लेकर के चलें हाथ में, हम चंदन लगाएं, भक्ति के चिन्ह हम धारण करके चलें, सात्विक वस्त्र हम धारण करें, उसमें बड़प्पन का अनुभव होता है कि हम राज्य से नज़दीक है ना, ये सब कार्य करने से राज्य की नज़दीकी बढ़ती है, और संसार के राग रंग में रंग जाने से भक्ति छूट जाती है। संसार में लोग तो हाँ हाँ अच्छा अच्छा कहेंगे, नाचेंगे गाएंगे खुश होंगे, पर हमारी भक्ति छूट गई, जीवन का सार ही तो परमात्मा की भक्ति है, उसी से तो मुक्ति मिलेगी, भक्ति के बाद नेक्स्ट स्टेप में तो मुक्ति ही है ना, और परमधाम की मुक्ति तो सबसे बड़ी मुक्ति है, उससे बढ़कर कोई मुक्ति नहीं है। तो ऐसी मुक्ति को पाने के लिए
जो लोग जिसके लिए लज्जा खाते हैं, हमको उसी मार्ग में चलना है, निर्लज्ज होकर के भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ना है। भजन गाते हुए जैसे शोभा यात्रा निकलती है ना, तो माताएं तो निकलती है, भाई लोग लज्जा खाते हैं कि हम शोभा यात्रा में निकलेंगे तो यार दोस्त लोग क्या कहेंगे, तुम भी प्रणामी मंदिर में चले गए, ऐसे भी सोच सकते हैं। इसके लिए लोग कभी कभी शोभा यात्रा में नहीं निकलना चाहते हैं। पर लोक लज्ज लोक लाज मर्यादा त्यागी तब तब मान पदवी पाई, ऐसे है ना श्री जी की चौपाई, लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई। ज्ञान की पदवी तब मिलती है जब लोक लाज और लोक मर्यादा में ही बंधे रहेंगे, तो उतने में ही बंधे रहेंगे। लोग खुश हुए क्या हुआ, पर इधर आने से तो राज्य खुश होंगे ना, हमें तो उनको खुश करना है, राज्य को राजी रखना है, दुनिया वालों को राजी रख करके कुछ होने वाला नहीं है। ये शिक्षा श्री जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया, ये चर्चा तो चलती रहेगी, नित्य निरंतर कोशिश करेंगे चर्चा करने के लिए और सुनाने के लिए। जहाँ भी जाते हैं प्रयास जरूर करेंगे चर्चा सुनाने के लिए, और आप लोग भी सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे, श्री राज्य के करीब अपने आप को पहुंचाएंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहरा रहे हैं, बोलो सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, तुमा समझ के संगत की जो रे बाबा, तुमा समझ की संगत की जो रे बाबा, मुझे जैसा दीवाना न कोई, मुझे जैसा दीवाना न कोई, चाहि सो लोका लज्जा पावे, चाहि सो लोका लज्जा पावे, सो तो मोहे बढ़ाई, सो तो मोहे बढ़ाई, सो तो मोहे बढ़ाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पियो जी हम जैसे तुमा, जीन करो मेरा तलप तलप जाए, जियो जी जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना में किन सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो ए जी, सब विध पिया जी समर्थ दिन रही न जात रोए रोए जी, जन मान थे जो हम होते पिया, सो तुम देखते की जी, जब तुम आप दे खाओगे तब देखोगे नैना भारे जी, एति पुकार पिया सुन के अब डिर करो तुम जीना जी, छिन छिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूँ दूला ही न जी, एति अर्ज बे तो करू पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कांटा गाए जी, कांट लगाए कांट सो पिया कीजिए आस विलास जी, वार न जाए सी इंद्रावती पिया राखो कदम की पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हिन पिया और न जानो बात जी, इस कसो से वाकरू पिया सबांगो साथ
चात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बली बली जात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहूँ इन श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बली बली जात जी पिया तुम हो तेसी जियो में अर्ज करो मेरे पीयू जी। बोलो श्री कृष्ण करें लाल की।